सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल आकर ही अपना अटेंडेंस बनाए, इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल का जियो लोकेशन का दायरा घटा दिया है। अब शिक्षकों को अपनी हाजिरी विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में बनानी होगी, जबकि पहले ये नियम 300 मीटर के दायरे तक सीमित था। अब सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में भारी रोष देखा जा रहा है और वे इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। शिक्षक नेता का कहना है कि सरकार पहले नेटवर्क की सुविधा ठीक करे और फिर निर्णय ले। ढेर सारी परेशानियां पहले भी थी और इससे बढ़ने वाली है, क्योंकि झारखंड के सरकारी विद्यालय सुदूर जंगलों में, पहाड़ों में अवस्थित हैं, जहां तक आज भी सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है। वहां सरकार द्वारा ये आदेश जारी करना, तुगलकी आदेश जारी करना कि उपस्थिति ऑनलाइन बायोमेट्रिक पद्धति से बनाई जाएगी, ये बेतुका एवं हास्यास्पद। परिस्थितियां ये ऐसी हैं कि आज भी वहां बात करना भी बड़ी मुश्किल से संभव हो पाता है। वहां कैसे शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे, ये समझ से परे। विभाग के द्वारा सबसे पहले जो अवधारणा है शिक्षकों के बारे में, तो शिक्षक जो है समयनिष्ठ नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। इससे पहले भी शिक्षक जो है दूर दराज से विद्यालय जाते थे और समय पर जाते थे, लेकिन विभाग द्वारा जो दायरा जो कम कर दिया गया, वह यह दिखाता है समाज को कि शिक्षक जो है समयनिष्ठ नहीं है। लेकिन इससे पहले विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो जियो फेंसिंग का जो काम होता है उसे अपडेट नहीं किया गया है। बिना अपडेट किए हुए हम शिक्षकों को जो है बांधना, दूरी कम करना कहीं से भी उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षक हमारे हैं वो हावड़ा में विद्यालय जाएंगे, उनको एक्सीडेंट होने की संभावना भी है ना, और अनायास घटनाएं हो भी रही हैं। वही इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 100 मीटर के दायरे में जो अटेंडेंस बनाने का नियम आया है वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस नियम के आने के बाद अब शिक्षकों को विद्यालय आना ही पड़ेगा। परेशानी ऐसे होनी तो नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर टीचर्स स्कूल में हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उस अपने इलाके में ही होंगे। ये इस तरह का नियम इसलिए बनाया गया है कि कहीं कहीं देखा गया है कि शिक्षक समय पर अपना विद्यालय नहीं जाते हैं, और ख़ासकर पारा टीचर्स जो हैं जो स्कूल के नज़दीकी इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ देखा गया है कि वो स्कूल नहीं जाके अपने घर से ही अटेंडेंस बनाते हैं। इस वजह से इस तरह का अभी नया जो नियम है वो निकाला गया है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में शिक्षकों से यही गुजारिश की जा सकती है कि सरकारी नियमों का पालन कर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। समाचार प्लस के लिए गढ़वा से विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट।